सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है। इसकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट, मतलब जब एग्ज़ाम पूरा हुआ, 29/3/2018 थी और इसकी कैटेगरी यानी कि PSEB 12th रिजल्ट 2018 के बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 10th के बारे में भी आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एग्ज़ाम का रिजल्ट आप ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड डेट यानी कि जो इसकी रिजल्ट डिक्लेयर होने की डेट है 15/4/2018, ये अभी इसकी डेट कन्फर्म नहीं है। इस डेट में रिजल्ट आ सकता है या इसके एक दो दिन बाद रिजल्ट आ सकता है, तो आपको डेली वेबसाइट चेक करनी होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डेली आप उस पर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रिजल्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट PSEB.ac.in पर जाना होगा। उसके बाद वहाँ पर रिजल्ट्स टैब होगी, उस पर क्लिक करना है और उसी के अंदर आपको रिजल्ट अपना, जैसे कि 10th का है तो 10th का और 12th के लिए 12th लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप वहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गया हूँ। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुका हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर भी हेल्प ले सकते हैं और यहीं पर सर्च बॉक्स है, इसमें आप जो चाहे सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अबाउट अस एकेडमिक बुक्स रिजल्ट, ये रिजल्ट का सेक्शन है यहाँ पर। इस रिजल्ट के सेक्शन में आपको क्लिक करना है, रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट पर क्लिक करना है। रिजल्ट्स पर क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यहीं पर अलग अलग एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिंक आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपका रिजल्ट 10th का हो या 12th का रिलीज होगा तो यहीं पर उसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भरनी है, यानी कि जैसे कि रोल नंबर भरना है आपको उसमें, और उसके बाद में सबमिट कर देना है तो स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। वहीं से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं अपने रिजल्ट की। तो दोस्तों, ये था इसका रिजल्ट चेक करने का प्रोसीजर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।